हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं इधर बना रही हूँ, देख सकते हैं आप, पनीर की सब्जी। तो यहाँ पर मटर है, टमाटर मैंने पीस लिया, एक्स्ट्रा में है टमाटर, और ये हरी मिर्च भी एक्स्ट्रा में है। मैंने हरी मिर्च ज़्यादा लिया था, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि मुझे तो लाल मिर्च डालनी है ज़्यादा, क्योंकि लाल मिर्च और हरी मिर्च वाली सब्जी तो खानी चाहिए हरी मिर्च की, बट हरी मिर्च में इतनी तीखी है नहीं, तो मेरे को लाल मिर्च तो डालना ही डालना है, तो इसलिए। वैसे मैं पनीर फ्राई करके बनाती नहीं हूँ कभी, लेकिन आज मन कर रहा पनीर फ्राई करके बनाने का। चलिए पहले हम पनीर कट करते हैं, क्योंकि जो आज का पनीर है ना, वो गाय के दूध का पनीर है। और इससे पहले मैं बनाती थी तो भैंस के दूध का बनाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भैंस का ही दूध आता था। लेकिन अब मतलब कुछ दिन से, एक दो दिन, एक हफ्ते से गाय का दूध आ रहा है। देखते हैं इसके पनीर और गाय के भैंस वाले पनीर में के टेस्ट में क्या डिफरेंट है। सारे पनीर मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं, और मैंने आज पनीर का साइज थोड़ा सा छोटा रखा है। मैंने देखा ना, शादी वगैरह में छोटे छोटा सा टुकड़ा रहता है पनीर का, तो इसलिए। और मैं मतलब मुझे कट करने में ही पनीर में ये डिफरेंट लग रहा है कि जो भैंस वाले दूध का पनीर होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड मतलब होता है, उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और ये जो गाय वाले दूध की है ना, क्या इसकी ना बाइंडिंग अच्छी, इतनी वैसे जबरदस्त टाइट वाली नहीं है। तो जाओ जाओ ना, तो इसीलिए आज मैं फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा, और देखती हूँ फ्राई करके कैसी बनती है। वैसे फ्राई वाली पसंद है नहीं किसी को भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मुझे तो खैर पनीर पसंद नहीं है, तो मुझे कि मेरे लिए क्या फ्राई और क्या बिना फ्राई। मैं अपने लिए अगर टाइम हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं बनाऊंगी। थोड़ी सी मैं दही और लहसुन वाली चटनी बनाने का मेरा दिल कर रहा था, तो मैं वो ही बना लेती। बेटा अभी टाइम होगा, बेटा देखती हूँ अगर हो जाए तो उन्हें भी लंच में मटर पनीर की सब्जी की जगह वो चटनी ही चाहिए। देखते अगर हो गया तो मैं सब्जी बना दूंगी, क्योंकि चटनी बनने में ज़्यादा टाइम तो वैसे लगता नहीं है, पर फिर भी। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ब्लॉग में। जो कि कपड़े धोने बहुत सारे, आज कपड़े धोने मैं लोगों को तकलीफ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।